ब्रेकफास्ट एमजे तो बहुत ही गंदी ये भी है एयरपोर्ट के पेट्रोल पंप पे अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और ये अभी हम दही लेंगे नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट ये मेरा रोज का ब्रेकफास्ट होता है 1.5 किलो दही साथ खालिस शहद एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ हम जाने लगे हैं लैक्टोस फ्री मिल्क लेने के लिए एमजे तो बहुत ही गंदी हो चुकी है ब्लैक कलर का ये नुकसान है तो आज हम जाएंगे ग्लोरी में जाएंगे ये साफ पड़ी है हेलो गाइस दिस इज अदील तारिक हियर और आज भी जैसे हम जा रहे हैं G13 इस्लामाबाद लैक्टोस फ्री मिल्क लेने अपने कज़न के लिए जो कि रहते हैं सरगोधा में जिनको आफ्टर 41 ईयर्स या 42 ईयर की एज है उनको ये एहसास हुआ कि 41 साल बाद जाके के उनको लैक्टोस फ्री मिल्क पीना चाहिए ये लैक्टोस फ्री मिल्क होता क्या है ये तो मैं बताता हूँ क्या होता है लेकिन मुझे ये कि जो उनको एहसास हुआ 40-41 साल बाद कि मुझे लैक्टोस फ्री मिल्क पीना चाहिए ये भी एक अपने आप में कहानी एक कि उनको पहले पूरी उम्र एहसास ही नहीं हुआ कि उनका पेट जो है दूध पी के ख़राब हो जाता है बाकी रही लैक्टोस फ्री मिल्क क्या होता है मनी लैक्टोस फ्री मिल्क होता क्या है मुझे खुद समझ नहीं आ रही यार लैक्टोस फ्री मिल्क ये होता है ना कि जो दूध के अंदर जो होती है नेचुरल शुगर उसको बोलते हैं लैक्टोस तो कुछ लोगों को वो हजम नहीं होता उनका पेट खराब हो जाता है उनको लूज मोशन हो जाते हैं गैस हो जाती है अच्छा वैसे मेरे साथ भी ये मसला है मैं तो बहुत सालों से पी रहा हूँ लैक्टोस फ्री मिल्क लेकिन मुझे 20 साल से एहसास था कि मुझे दूध हजम नहीं होता तो वैसे ये है मजाक के अलावा जिनको दूध हजम नहीं होता वो तो अब बाकी लैक्टोस फ्री मिल्क पिए तो इंशाल्लाह उनका पेट ख़राब नहीं होगा तो जो हमारे नाज़रीन जो हैं जो हमारे व्लॉग चेक कर रहे हैं वो भी हमें बताएं कि क्या उनको वाकई लैक्टोस फ्री मिल्क चाहिए या उनको भी कोई वहम पड़ा होगा चले अभी हम फिर जाते हैं G13 वहाँ जाके G13 पहले दूध लेके फिर बसते हैं फिर हम पहुँच गए हैं G13 ये आगे डिवॉर्सन है तो अल्लाह करे इनके पास उसका फुल कार्टन हो लैक्टोस फ्री मिल्क का तो तू गाड़ी में बैठ पे मेरा ख्याल में लेके आता हूँ चल फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ और ये अदील साहब डी वॉटसन से बाहर आते हुए पीछे लगता है कि 2 कार्टन ले आए हैं लैक्टोस फ्री मिल्क या 3 आई गेस देयर आर 2 कार्टन्स देखते हैं क्या चक्कर चल रहा तो 2 कार्टन ले आए हाँ 2 ले आए ऊपर रखना सीट पे हाँ रखते हैं रखते हैं We bought 2 cartons. ये वहम के लिए ये भी है लैक्टोस फ्री मिल्क आगे 26 नंबर यहाँ रश होता है भाई बहुत ही ज्यादा ऐसा ऐसा इसलिए अगर आप बिल्टी करनी है तो आपके साथ एक बंदा और होना चाहिए जो गाड़ी में बैठे जब आप बिल्टी करने जाएं तो वो गाड़ी में बैठे इफ ही हैज टू मूव द कार वो गाड़ी मूव कर सके यहाँ की गाड़ी पार कर देते हैं ये देखिए जो है ना सुजुकी वैगनआर के पीछे गाड़ी खड़ी करूंगा इंशाल्लाह ऐसे होती है जी बिल्टी बसों का रश बस अड्डा हाँ भाई हाँ जी 500 रुपए दिए उसको 2 डब्बों का नॉट बैड नॉट बैड 2:30 बजे उसको बोलना उधर पहुंच जाना ठीक है मेहरबानी 3 बजे से वापसी आना मेहरबानी मेहरबानी और गाइस अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के पेट्रोल पंप पे ये हमें अपने घर से बड़ा पास पड़ता है वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सो एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है इस्लामाबाद का ये जो इसकी लेविश ग्रीन है ना बीच में जो इसकी ग्रीन बेल्ट दी हुई है इसको देख के आपको ये पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों को सब पता है कि कहाँ पे घास होना चाहिए कहाँ से मिट्टी उठती है कैसे ग्रीनरी होती है अगर जो बंदा भी यहाँ आए ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट वो ये देख के परेशान हो जाएगा कि इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट और इतनी लंबी जी हम पहुंच गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पेट्रोल पंप पे हम घर वापस आ चुके हैं एंड आवर मिशन टू सेंड द मिल्क इज डन टुडे सो ऑलराइट गाइस वी विल सी यू सून अल्लाह हाफिज़